बाकी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और हम काम कर रहे हैं। सब हजारों लोग जो है आज तकिया लेकर भी खड़े थे, हमने देखा और लिखा हुआ है कि हमें कहीं और उम्मीद नहीं है, सिर्फ अनिल विज से उम्मीद है। ये मैंने तो तकिया नहीं देखी है, लेकिन मैं हर आदमी का काम करता हूँ। नहीं, वो आई है, अब उसको एग्जामिन करवाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि 200 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, अब उसको जब तक एग्जामिन ना करवा लें उस पर कुछ कहना ठीक पाई जाती है तो फिर उचित कार्रवाई होगी, जो हिंदुस्तान के हर नागरिक पर होती है। कि किस मामले में किस बात की गुटा करें, दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी व्यक्ति को किडनैप करके ये गाड़ी ले गई और इसको रोका जाए, ये हर प्रदेश की पुलिस की ड्यूटी बनती है। अगर ऐसी कोई सूचना आती है, हमने उसको रोक लिया और दिल्ली पुलिस के हेड ओवर कर दिया। इसमें बदमाशी क्या है? बदमाशी तो इस बात में है कि झगड़ा आपका होता है दिल्ली में और पर्चा आप दर्ज कराते हो पंजाब में जाकर, पंजाब आपकी क्या कोई टॉर्चर स्टेट बन गई है, क्या टॉर्चर हाउस बन गया है कि सबको वहाँ जाके आप टॉर्चर करोगे? पुलिस दिल्ली में है, अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम तो उसको मुख्यमंत्री पर रहने का अधिकार भी नहीं है। दिल्ली में पुलिस प्रशासन है और पुलिस काम करती है। अब ये जो ये करवाना चाहते हैं वो शायद वो ना करें।